दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने वाज़े अक्सरियत के साथ हासिल की जीत। आपके तमाम कद्दावर लीडरान भी हुए कामयाब। अब तीसरी बार वज़ीर आला केजरीवाल ही संभालेंगे दिल्ली का इख्तदार। लगातार दूसरी बार 50% से भी ज़ायद वोट हासिल कर आपने दर्ज किया रिकॉर्ड। आज दिल्ली की जनता ने एक और चीज फिट कर दी, वो ये है कि दिल्ली का बेटा अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, सच्चा देशभक्त है। तारीखी जीत दर्ज करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को आई लव यू कहकर किया पहला खिताब। कहा, आज से एक नए दौर का हुआ है आगाज, एक नई काम की सियासत का हुआ जन्म। बोले केजरीवाल, नफरत पर मोहब्बत की हुई है जीत, आपकी जीत को दिल्ली के हर आम आदमी की जीत से क्या ताबीर। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने, आई लव यू। ये जीत मेरी जीत नहीं है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत है। ये दिल्ली के हर उस परिवार की जीत है जिन्होंने मुझे अपना बेटा मान के हमें जबरदस्त समर्थन दिया, इतना वोट दिया। आम आदमी पार्टी के तमाम पांचों मुस्लिम लीडरान के साथ चार खवातीन की भी हुई जीत। अमानतुल्लाह खान, शुएब इकबाल, इमरान हुसैन, हाजी यूनुस समेत अब्दुल रहमान ने दर्ज की जीत। दिल्ली की जीत पर ट्वीट कर बोले मशहूर अदाकार जावेद जाफरी, दिल्ली के आवाम में नफरत और तकसीम करने वाली सियासत को मुस्तरद कर ईमानदार और मुस्बत सियासत का क्या इंतखाब। दिल्ली की जीत पर वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुशी का इजहार कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 2021 के असेंबली इंतखाबात में मगरबी बंगाल में भी दिल्ली जैसे ही आएंगे नतीज। झारखंड, आंध्र प्रदेश और मगरबी बंगाल समेत दीगर रियासतों के भी वज़ीर आला केजरीवाल को दे रहे मुबारकबाद। दिल्ली इंतखाबात को पाकिस्तान बमुकाबला हिंदुस्तान का नाम देकर भड़काऊ बयान देने वाले कपिल मिश्रा को हक राय दहिंदगान ने सिखाया सबक। मॉडल टाउन असेंबली हलके से नाकाम हुए कपिल मिश्रा, बोले आप लीडर संजय सिंह, आज हिंदुस्तान ने दर्ज की जीत। आपके बेटे अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी कहा गया था, आतंकवादी। उस दिन बहुत दुख और तकलीफ के साथ केजरीवाल जी सामने आए थे और उन्होंने कहा था 11 तारीख को हमारा 2 करोड़ परिवार बता देगा कि उनका बेटा केजरीवाल आतंकवादी नहीं, कट्टर देशभक्त है, कट्टर देशभक्त। दूसरी बात क्या कही गई थी, कहा गया था हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा है, हिंदुस्तान जीत गया, हिंदुस्तान जीत गया। अरविंद केजरीवाल और आपको मुबारकबाद देकर बीजेपी की शिकस्त पर बोले खुद कपिल मिश्रा, पांचवें रियासती असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने खाई है शिकस्त, किया एतराफ, दिल्ली के लोगों के साथ रब्त कायम करने में किसी जगह नाकाम साबित हुई है बीजेपी। और ये स्वीकार करने का दिन है कि लगातार पांचवीं बार हम लोग दिल्ली में विधानसभा का चुनाव हारे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई जनता की ऐसी अपेक्षा जरूर है जो हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्ट जनता से ऐसा होना जरूरी है जो शायद हम लोगों की समझ में नहीं आ पा रहा है या हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसको आने वाले दिनों में जरूर रिव्यू करेंगे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को, सभी विजयी प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार। दिल्ली की जंग में औंधे मुंह गिरी कांग्रेस, पूरी तरह से साफ हुआ कांग्रेस का सोपड़ा। दूसरी बार भी दिल्ली में नहीं खोल पाई अपना खाता, एक सीट पर भी नहीं दर्ज की जीत। आम आदमी पार्टी की वाज़ेह अक्सरियत के साथ जीत के आसार नजर आते ही आपके ट्विटर हैंडल से एक छोटे बच्चे की पोस्ट की गई तस्वीर पल भर में सोशल मीडिया पर मिनी मफलर मैन टाइटल के साथ वायरल हुई। बच्चे की तस्वीर, आपकी टोपी पहनकर बच्चे ने वज़ीर आला केजरीवाल का इख्तियार किया था रंग रूप, वंस अगेन मफलर मैन का भी दिया जा रहा था नारा। हम पूरी फैमिली बहुत बड़ी फैन है उनकी, और बच्चों के लिए ये भी आने वाले टाइम में बच्चे प्राउड करेंगे कि हम बिल्कुल उन्हीं की तरह बने थे, और मैं चाहती हूँ कि बड़े होकर ये दोनों बच्चे बिल्कुल केजरीवाल जैसे ही बने।